सारा माहौल ही अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। पूरी फसल तो तबाह बर्बाद हो गई है और इसमें जीवन यापन करना बहुत कठिन काम हो। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले दिनों हुई बारिश से मौसम तो बदल गया, लेकिन इस बारिश ने प्रदेश के अन्नदाताओं को खासा तकलीफ दे दी है। ये समय खेत में लगे धान की फसल को काट कर धान निकालने का था, लेकिन बारिश ने किसानों को खासा नुकसान पहुंचा दिया। सबसे ज्यादा नुकसान बारिश के साथ आई हवा ने किया, क्योंकि जो फसल लगभग तैयार हो चुकी थी वो अब खेतों में जमीन पर लेट गई। किसान इससे खासा परेशान हैं। जब हमने उनसे बात की तो उनका कहना था कि हमें इस बारिश ने बर्बाद कर दिया। मेरा नाम मोहम्मद इकराम है। ये जो बारिश हुई है, हम लोगों की खेतों में कटाई हो रही थी, वहाँ पर जो कटे हुए पेड़ फसल की कटाई हुई थी वहाँ ऐसा ही पड़ी हुई थी। बारिश आ गए तो बहुत ज़्यादा क्षति हो गई, पूरा नुकसान और तबाह बर्बाद हो गए हम लोग। और जो खेत में लगी हुई फसल थी वो इतनी आंधी और बारिश की वजह से वो सब लेट गई, सब अस्त व्यस्त सब हो गया, वहाँ पर सब मंजर सब फसल रेगा हो गई। क्या लगता है जो परिवार निर्भर हैं कितना कैसे आप लोग सर्वाइव करेंगे आगे? हम लोगों का तो खैर बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, मगर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर हैं। पर वहाँ तो सारा माहौल ही अस्त व्यस्त हो गया है। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हम लोगों को। पूरी फसल तो तबाह बर्बाद हो गई है और इसमें जीवन यापन करना बहुत कठिन काम हो गया। बारिश से सारे धान गिर गए ना, जब धान मजबूत होने का समय था तभी सब नीचे गिर गए, सब मतलब फराह हो गया पूरा। मान ली 30-40% इसकी पैदावार बची। कितना बीघा आपने बोया था भाई साहब? हमारा यहाँ से है 8 बीघा पूरा धान। पूरा अरे हाँ समथिंग आधे से ज्यादा तो बर्बाद हो गया। ये कटा पड़ा हुआ था खेत में, ये कटा हुआ था और ये तो पूरा बर्बाद हो गया। ये भी नुकसान हो गया, उसके पहले कटने के पहले गिर गया ना, जो धान पौड़ा होने के पहले ही गिर गया बारिश। हाँ बारिश से। तो क्या लगता है ये मदद भरपाई हो पाएगी? कुछ भरपाई क्या हो पाएगी, एक पर साल आए थे 1-2 हज़ार रुपये, उसमें क्या होता है किसान का? 2,000 रुपये दिए थे भरपाई का, लेकिन उसमें क्या हुआ? अब जैसे 4-5 बीघा फसल बर्बाद हो गई तो 1-2 हज़ार में क्या होगा। वही ना सिर्फ खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि जो फसल पक चुकी थी और धूप में उसे सुखाया जा रहा था उसे भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। किसानों का कहना है कि इससे लगभग 40% की फसल पैदावार में गिरावट आएगी, जो हमारी जेब पर भी भारी असर डालेगा। बारिश हो जाने की वजह से थोड़ा सा तो अंतर आएगा ही फसल पे। अभी जैसे फसल जो है पूरी कटी पड़ी हुई थी, जो है पूरी नम हो गई है, थोड़ा सा जो है इसका पैदावार में तो कमी आ ही आएगी। ऊपर से जो है धान निकालने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो है तो गीला हो गया। फिलहाल बारिश के बाद मौसम ऐसा बदला कि प्रदेश के कई जिलों में पूरे दिन बदली छाई रही। किसान मौसम के करवट लेने के बाद धूप आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वो भीग चुकी फसल को सुखाने के बाद धान निकाल कर उसे मंडियों में बेच सके। इसमें अब दाना नहीं निकलेगा, दाना नहीं, पूरा बर्बाद हो गया ना, देख लीजिए पूरा काला है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।